हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉलोफाइलम मेडिसिन को एलन्स की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलोफाइलम थैलिकोटेराइड्स एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, जिसकी फैमिली है बर्बेडियसी और ब्लू कोहोश, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं। तो कॉलोफाइलम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है फीमेल सिम्टम की। डिलीवरी के टाइम यूट्रस पे बहुत ही अच्छी एक्शन है प्रेगनेंसी में और वुमेंस में, साथ में लैक्टेशन पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से कि इसकी जो पेशेंट होगा वो कैसा होगा। तो स्पेशली सूटेड टू वेमेन, ऐसी औरतों के लिए एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनको जो तक दिक्कतें आ रही है प्रेगनेंसी के टाइम में, पास्चुरेशंस मतलब प्रेगनेंसी के बाद वाला पीरियड और लैक्टेशंस के टाइम में, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन वाला जो पीरियड है उसको हम लैक्टेशंस और मिल्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इसमें कंसिडर रहेगी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पेन आर इंटरमिटेंट पैरोक्सिमल और स्पाज्मोटिक, ठीक है। जो पेन का कैरेक्टर होगा कॉलोफाइलम का इंटरमिटेंट होगा, एक फिक्स पीरियड रहेगा उसका, पैरोक्सिम्स में आएगा और कैसा होगा, स्पाज्मोटिक होगा, ठीक है, ऐसा अकड़न वाला पेन होगा इसका। ल्यूकोरिया की बात करते हैं तो एक्रिड होगा, जलन करने वाला होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, थका देने वाला ल्यूकोरिया होगा। जो वाइट डिस्चार्ज है वो अपर आईलिड इतनी ज़्यादा हैवी होगी, आँखों की ऊपर वाली जो पलक है वो इतनी ज़्यादा हैवी होगी। हैज़ टू राइज देम विद द फिंगर, उसको उसकी उंगली से ऊपर करनी पड़ेगी उसको, उसकी अपर आईलिड को। जेल्सीमियम भी रेमेडी है इस कंडीशन के लिए। मौथ स्पॉट्स देखने को मिलेंगे हमको फोरहेड पे, मौथ स्पॉट एक टाइप के स्पॉट्स होते हैं जो कि फीमेल्स को देखने को मिलते हैं। यही स्पॉट्स हमको सीपीएम में भी देखने को मिलते हैं। इन लिटिल गर्ल्स में भी ल्यूकोरिया देखने को मिलता है, तो कैल्केरिया भी एक रेमेडी है लिटिल गर्ल्स में ल्यूकोरिया की और प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, जो कि ल्यूकोरिया इतना ज़्यादा है कि जो प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहा है, ऐसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी कॉलोफाइलम थैलिकोटेराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम है हैबिचुअल अबॉर्शन हो जाता है जो फीमेल्स हैं उनको, यूट्राइन डेबिलिटी, उनका यूट्रस इतना ज़्यादा वीक है कि उनको बार बार अबॉर्शंस देखने को मिलते हैं। एलेट्रोइस भी एक मेडिसिन है फ्रॉम एनीमिया, जिनको हैबिचुअल अबॉर्शन की रेमेडी है, फ्रॉम एनीमिया विथ प्रोफाउंड मेलनकोली, तो एहेलोनियास रेमेडी है, ठीक है। एनीमिया के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेलनकोली है, सैडनेस है, ऐसी कंडीशन के लिए हेलोनियास एक रेमेडी है। अब है नेक्स्ट सिम्टम स्पास्मोटिक रिजिड ओज है, डिलेड लेबर, निडिल लाइक प्रिकिंग पेन इन द सर्विक्स, ठीक है। जो ओस है, जो डिलीवरी के टाइम पे ओस है वो ज़्यादा रिजिड हो गया है, ओपन नहीं हो रहा है। जो लेबर्स है वो डिले हो गए, ज़्यादा टाइम लग रहा है लेबर में और पेन का कैरेक्टर होगा निडिल लाइक, जैसे कोई सुई चुभने वाला पेन होगा सर्विक्स में। लेबर पेन होगा, लेबर पेन का कैरेक्टर शॉर्ट होगा, थोड़ा सा इरेगुलर होगा, स्पास्मोडिक और टॉर्मेंटिंग यूजलेस पेन होंगे इन द बिगिनिंग ऑफ लेबर में। जैसे लेबर स्टार्ट हुआ ऐसे ही यूजलेस पेन हो रहे हैं। सीमिसिफगा में भी रेमेडी है स्पास्मोटिक पेन के लिए, लेबर लाइक पेन के लिए, नो प्रोग्रेशन मेट विथ, ठीक है। जो लेबर पेन स्टार्ट तो हो गए हैं लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी बढ़नी थी वो नहीं बढ़ रही है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है लेबर। विल करेक्ट डेंजर वाइटलिटी एंड प्रोड्यूस इफिशियंट पेन, तो हम लोग कॉलोफाइलम रेमेडी देंगे तो उसको अच्छे से लेबर पेन आएंगे। और इफ सिम अगर कब दे सकते हैं, जब ये सारे सिम्टम कैरेक्टर मिल रहे हैं तभी हम उसको देंगे। हेमरेज आफ्टर द हेस्ट्री लेबर, वॉन्ट ऑफ टॉनिसिटी, पेस्यू आफ्टर अबोशन, ठीक है। अब हेमरेज का कैरेक्टर कैसा होगा कि बहुत ज़्यादा उसको जो यूट्रस है वो टोनिक नहीं हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती ही जा रही है लेबर के बाद और पेस्यू हेमरेज होता ही जा रहा है अबॉर्शन के बाद, तो बहुत अच्छी रेमेडी है कॉलोफाइलम ऐसी कंडीशन के लिए। सिकल कोर और थैलेप्सी बर्सा पास्टोरिस भी बहुत अच्छी रेमेडी है इस टाइप के अबॉर्शन और इस टाइप के हेमरेज के लिए।
नेक्स्ट है आफ्टर पेंस। आफ्टर पेंस क्या होते हैं, लेबर के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडी को, उसको आफ्टर पेन में कंसिडर करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग एग्जॉस्टिंग लेबर, जो लेबर है उसका बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लॉन्ग एग्जॉस्टिंग लेबर के बाद स्पाजमोडिक एक्रोस द लोअर एब्डोमन, लोअर एब्डोमन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको, मरोड़ वाला, एक्सटेंडिंग इंटू द ग्रोइन, जो ग्रोइन रीजन है वहाँ तक जा रहा है ये पेन, इन द शीन, अगर शीन में पेन हो रहा है जो अपनी जो पैर है, पैर की जो शीन बोन है वहाँ पर, तो काबोवेज और कोका रेमेडी है ऐसी कंडीशन के लिए। लोकिया है जो कि प्रोट्रैक्टेड है, जो अंदर ही रह गया है ग्रेट एटोनी के कारण, जो कि पेसिवली निकलेगा फॉर डेज फ्रॉम द रिलैक्स्ड वेसल्स के कारण। लोकिया एक डिस्चार्ज है जो आफ्टर लेबर देखने को मिलता है लेडीज़ में एक मंथ के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जो पेसिवली निकलता ही जा रहा है रिलैक्स वेसल्स के कारण। तो सिकल कोर भी रेमेडी है ऐसी कंडीशन के लिए। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो रोमेटिज़म है वुमेंस को, वुमेंस को बोन की दिक्कतें हैं, स्पेशली द स्मॉल जॉइंट, जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं हाथों के पैरों के, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। एक्टिया स्पाइकेटा भी रेमेडी है ऐसी कंडीशन के लिए। इरेक्टिक पेन चेंजिंग प्लेस एवरी फ्यू मिनट्स, ठीक है, इरेक्टिंग पेन देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा, जो कि पेन कर रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है हर एक मिनट में। पल्स भी एक रेमेडी है इसी कंडीशन के लिए। पेनफुल स्टीफनेस ऑफ अफेक्टेड जॉइंट्स, ठीक है, जो अफेक्टेड जॉइंट है उसमें स्टीफनेस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। अब देखेंगे नर्वस सिस्टम को, तो कोरिया, हिस्टीरिया और एपिलेप्सी प्यूबर्टी के टाइम में देखने को मिलती है हमको, किसको, पेशेंट्स को, फीमेल्स को, और ड्यूरिंग स्टेबलाइजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फंक्शन, या फिर जब मेंसेस आने लगे उसके बाद कोरिया, हिस्टीरिया देखने को मिल रहा है, एपिलेप्सी देखने को मिल रही है, तो कोलोफाइलम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होगी ऐसे पेशेंट के लिए। रिलेशन की बात करें तो ये सिमिलर है सिमिसिफुगा, बेलाडोना, लीलियम टी, पल्सेटिला, सिकल कोर, थैलेप्सी बल्सा, विब्रुनम ओपिलस, ये सारी ही फीमेल रेमेडीज़ हैं जो कि लेबर, प्रेगनेंसी रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए है, ठीक है, टू लेबर आफ्टर पल्सेटिला, बट मेंटल कंडीशन इसकी अपोजिट होगी, ठीक है, पल्सेटिला की लेबर में सेम तो है बट उसकी मेंटल कंडीशन पल्सेटिला की अलग होगी। सीपीएस से भी सिमिलर है ये, बट मौत स्पोर्ट्स और रिफ्लेक्स सिम्टम फ्रॉम द यूट्राइन इरेगुलरिटीज, ठीक है, ये सारी कंडीशंस में सिमिलर है इन सब सारी मेडिसिन के लिए। कोलोफाइलम सीपिया के लिए हो गए मौत स्पॉट्स भी रहेंगे सेम उसके, और यूट्राइन इरेगुलरिटीज़ रहेगी सीपिया में ज़्यादा, ठीक है। तो ये थी रेमेडी कोलोफाइलम फॉर्म एलेंस की नोट। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।